नमस्कार, मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि हाल ही कुछ दिनों पहले हमारे जशपुर में एक घटना घटी है, और ये घटना आस्था थाना और मनोरा ब्लॉक की घटना है, जिसमें श्रीमती रायमुनि भगत जी के द्वारा, जो हाल ही में वर्तमान विधायक हैं जशपुर की, उनके द्वारा एक भैया समाज के सामुदायिक भवन के पूजन में शायद उन्हें आमंत्रित किया गया था, और उनके द्वारा खुले मंच से एक विशेष धर्म या विशेष समाज के प्रति बहुत ही घटिया बयानबाजी किया गया है, और वे ईसाई समाज के लोगों के भगवान को गंदी गंदी अपने शब्दों से उन्हें वो लोगों के सामने बयां कर रही हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, और इस समाज के लोगों के बीच इसको लेकर बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है। तो मैं श्रीमती रायमुनि भगत जी से कहना चाहूँगा कि हमारा जिला बहुत शांतिप्रिय जिला है, आप ऐसा बयानबाजी क्यों कर रही हैं? क्या आपको ऐसा कोई पीछे से चाबी दे रहा है जिसे आप इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? क्या आप शांतिपूर्ण हमारे जशपुर जिले को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं? दो धर्मों के बीच क्या आप दंगे करवाना चाह रहे हैं? क्या आप जशपुर जिले को क्या मणिपुर बनाना चाह रहे हैं? हमारे जशपुर जिले में ईसाइयों की संख्या काफ़ी है, और ईसाई धर्म का आधार यही है कि उन्हें क्षमा और प्रेम करना सिखाया जाता है। अगर कोई आपको क्षमा कर रहा है या आपसे प्रेम कर रहा है या आपके प्रति उसके अगर क्रोध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। तो अगर हम बार बार क्षमा करते जाएंगे, शायद यही वजह है कि वर्तमान विधायक जशपुर की श्रीमती रायमुनि भगत हम लोगों को कमजोर समझ रही होंगी, और वो ऐसे समझने की गलती ना करें। हमारे अंदर भी आक्रोश भरा हुआ है, पर चूंकि हमारे धर्म का आधार है क्षमा और प्रेम, हम उसी को चलते हुए, इसी लाइन पर चलते हुए हम आपको बाइज्जत अच्छे से समझा रहे हैं। बाकी हमारे भी मुंह है, हमारे भी दो हाथ है, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम दूसरों के धर्मों के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी करें या उन्हें सताएं या उन्हें टिप्पणी करें या उन्हें लड़ाएं। बाकी धोधा चना बाजे घना वाली बात आप ना करें, पहले तो आप ईसाइत पढ़ लीजिए, ईसा मसीह के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद टिप्पणी क्या कीजिए। और विशेष रूप से मैं श्रीमती रायमुनि भगत जी को बताना चाहूँगा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, इसमें संविधान में 25 के तहत हमें किसी भी धर्म को अपने अंतकरण के हिसाब से किसी भी धर्म के प्रति आस्था, उसे पूजने का, अनुसरण करने का और उसके विषय में लोगों को बताने का या प्रचार करने का भी हमें संविधान अधिकार देता है। तो जब हमारे जशपुर में सभी धर्मों के लोग इतने शांत प्रिय तरीके से रह रहे हैं, तो आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे के क्यों लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं? ये मैं जवाब चाहता हूँ वर्तमान विधायक जशपुर की श्रीमती रायमुनि भगत जी से। और तीसरी बात, अब धर्मों की राजनीति कब तक करते रहेंगे? लोगों के पास जाइए, उनके गांव के विकास के बारे में बात कीजिए, वहां शिक्षा के विषय में बात कीजिए, रोजगार के विषय में बात कीजिए। आप किसी विषय धर्म के उनके भगवान के बारे में गलत टिप्पणी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं, पूरा हमारा समाज जानना चाहता है। और समुदाय के बीच अगर नफरत फैला के आपको खुशी मिलती है, तो शायद ऐसी आपकी सोच होगी। बाकी श्रीमती रायमुनि भगत जी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, और संवैधानिक पद में रहते हुए अपने गरिमा को आपको समझते हुए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके अंदर इतनी नफरत भरी है, और अगर आपके सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु प्रसाद जी अगर देख रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंची है, तो आपको मुझे लगता है कि इस पद से हतप्रभ कर देना चाहिए, या तो आप खुद इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों इतना नफरत फैला रहे हैं? शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया ऐसी घटनाओं को दोबारा और इसे क्षमा या माफ करने वाली हिदायत देके नहीं छोड़ना है। इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारे शांतिपूर्ण जिले में इस तरह का कोई भड़काऊ भाषण ना दे, दो धर्मों के बीच ऐसे दंगे कराने वाली हरकत ना करे, और हमारा जशपुर जैसा शांतिपूर्ण जिला है हमेशा शांतिपूर्ण जिला बने रहे। धन्यवाद।